بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, yesterday we went through a story and the name of the story was Family Values. Family Values. And today we are moving on towards its exercise, and the first part is reading comprehension, in which we have to answer the following questions. Answer the following questions. Okay, the first question is, which son was a great help to his father? Which son was a great help to his father? Very good. The elder son was a great help to his father. आपने which की जगह आपने elder लिखना है. The elder, ठीक है. The elder या the elder इसको कहते हैं. The elder son was a great help to his father. What was the demand of the younger son? छोटे भाई की छोटे बेटे की demand क्या थी? What was the demand of the younger son? The younger son wanted his share in the farm. ठीक है, जो छोटा बेटा था उसको जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए था. He asked his father for his share of the farm. उसने अपने फादर से अपने जायदाद में जो हिस्सा था वो मांग लिया. What were the reasons behind the discontent of the younger son? यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि ये जो छोटा बेटा है ये हर वक्त गैर मुतमईन क्यों, डिससेटिस्फाइड क्यों रहता था, किसी चीज़ से खुश क्यों नहीं होता था. तो यही था कि उनकी फैमिली में सारे फार्म में काम करते थे, मेहनत करते थे, उसको मेहनत करना पसंद नहीं था. और आगे आपको फिर पता चला कि उसको पार्टीज़ करना पसंद था, जो कि एक यूजलेस काम है. आपसे लोग मिलने आएंगे पार्टीज़ में, लेकिन जब आप मुश्किल में होंगे तो आपसे ताल्लुक़ भी ख़त्म कर देंगे. लेकिन जो छोटा बेटा था उसको ये बात आखिर में समझ आती है. पहले वो डिसकंटेंटेड हर वक्त इसीलिए रहता था बिकॉज he did not like working on the farm and he liked parties. ठीक है, ये दो reasons हैं, फिर हम इसको notebook में भी लिखेंगे. तो how did the father treat his son when he returned? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि बाप ने अपने बेटे के साथ कैसा सलूक किया जब वो वापस आया. जब बेटा वापस आया तो फादर ने उसके साथ कैसा सलूक किया. ट्रीट का मतलब है सलूक करना. ट्रीट का मतलब है सलूक करना. हाउ डिड द फादर ट्रीट हिज सन व्हेन ही रिटर्न्ड? द फादर हग्ड हिम एंड ड्रेस्ड हिम इन फाइन क्लोथ्स. अब होना तो मतलब इसने जिस तरह फादर के साथ बुरा सलूक किया और छोड़कर चला गया, तो होना तो यही चाहिए था कि फादर भी इसको घर से फिर निकाल देते, कि अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया, अकेले रह गए तो क्यों आए हो. लेकिन यहाँ पर ये जो फादर है ही इज़ वेरी काइंड, और उसने फौरन अपने बेटे को गले लगाया और उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिए पहनने के लिए. ठीक है, अच्छा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आपने इस सबक से क्या लेसन हासिल किया, आपको इस स्टोरी से, इस कहानी से क्या सबक हासिल हुआ? तो यही है कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर फैमिली. ठीक है, जो हमारी फैमिली होती है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुखलिस होती है. जो बाहर के लोग होते हैं उनका आपके साथ ताल्लुक किसी मतलब से होता है. आपके पास पैसा है तो वो पैसे के लिए आपके साथ रहते हैं, या फिर आपके पास पावर है तो वो पावर के लिए आपके पास होते हैं, और जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो आपको छोड़ के चले जाते हैं. लेकिन ये जो अपनी फैमिली होती है ये अच्छे बुरे हर किस्म के हालात में आपके साथ होती है. तो हमें अपनी फैमिली की कदर करनी चाहिए. ठीक है, सो अभी हम इसको नोटबुक में लिखेंगे इन सारे क्वेश्चंस को. सो ओपन योर नोटबुक्स, ड्रॉ मार्जिन लाइंस, राइट डेट एंड सब्जेक्ट ऑन अपर मोस्ट लाइन एंड लेट्स बिगिन अवर वर्क.
आई होप आपको राइटिंग रूल्स सारे याद होंगे, कितनी लाइंस में कौन सा अल्फ़ाबेट लिखना है, कब कैपिटल लिखना है और कब आपने स्मॉल लिखना है। अब ये यूनिट नेम है तो यूनिट नेम दोनों वर्ड्स मैंने कैपिटल से लिखे हैं, ठीक है। यूनिट को भी कैपिटल यू से लिखा है, सब्जेक्ट को भी मैंने कैपिटल ई से लिखा है और डेट भी देखे मैंने कैपिटल डी से लिखी हुई है। अच्छा, जो भी स्टेटमेंट मैंने स्टार्ट की है वो कैपिटल से ही लिखी हुई है और एंड फुल स्टॉप से है। अच्छा, विच सन वॉज अ ग्रेट हेल्प टू हिज फादर, विच सन वॉज अ ग्रेट हेल्प टू हिज फादर, द एल्डर सन वॉज अ ग्रेट हेल्प टू हिज फादर, द एल्डर सन वॉज अ ग्रेट हेल्प टू हिज फादर। What was the demand of the younger son? The younger son asked his father for his share of the farm. The younger son asked his father for his share of the farm. Okay, what were the reasons behind the discontent of the younger son? What were the reasons behind the discontent of the younger son? Okay, chota beta har waqt dissatisfied, ghair mutmain hi kyun rehta tha? To he hated working on farm. Ek reason to thi ke usko kaam karna pasand nahi tha. And wanted to enjoy पार्टीज, और उसे पार्टीज इन्जॉय करना पसंद था, ठीक है। ही हेटेड वर्किंग ऑन फार्म एंड वॉन्टेड टू इन्जॉय पार्टीज। हाउ डिड द फादर ट्रीट हिज सन व्हेन ही रिटर्न्ड, हाउ डिड द फादर ट्रीट हिज सन व्हेन ही रिटर्न्ड, बाप ने बेटे के साथ कैसा सलूक किया जब वो वापस आ गया। द फादर हग्ड हिम and dressed him in fine clothes, father ने उसे गले लगाया और उसे अच्छे कपड़े दिए पहनने के लिए, ठीक है। the father hugged him and dressed him in fine clothes, fine clothes। now the last question is what lesson did you learn from this story? क्वेश्चन में आपको डिड नज़र आ रहा है और आपको पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था जहाँ डिड आए तो आपने वहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्क को चेंज करना है, और यहाँ क्या आएगा हमारे पास, लर्नड, लर्नड। वी लर्नड दैट वी शुड रिस्पेक्ट अवर फैमिली, वी लर्नड, हमने सीखा। लर्न का मतलब है सीखना, लर्नड का मतलब है सीखा। वी लर्नड दैट वी शुड रिस्पेक्ट अवर family, we learned that we should respect our family. Okay, आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नीट कॉपी में लिखना है, ठीक है, और फिर उसकी पिक्चर्स हमें सेंड करनी है ताकि हम उसमें करेक्शन कर सकें इफ़ नीडेड। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, दिस वॉज ऑल फॉर टूडे, अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.